नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हरदोई के विलग्राम नगर के पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खंडहर में संदिग्ध हालत में युवक युवती के सम्मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस हत्या और आत्महत्या के बीच में गुत्थी उलझी है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कई घंटे तक जांच की, वहीं परिवार के लोग कुछ भी कहने से बचते दिखे। विलग्राम के रफियतगंज निवासी तबस्सुम शनिवार सुबह 11 बजे घर के तबीयत खराब होने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे नगर के पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खंडहर में उनका खून से लथपथ शव मिला है। वहीं में पास में दूसरा सब मोहल्ला मंडई निवासी श्यामू राठौर का पड़ा था। दोनों के सीने में गोली लगी थी, जहां सब पड़े थे उसके नीचे लाल रंग की चादर बिछी हुई थी। मृतका के पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि प्राथमिक जांच में युवक के द्वारा युवती को बुलाने और पहले से उसे गोली मारने के बाद खुद को गोली मारने की बात लग रही है। पुलिस अन्य विधियों पर जांच भी कर रही है। घटना के पीछे असली वजह युवती की शादी तय होना भी लग रहा है। बताया जा रहा है कि युवती की शादी मल्लावा में तय हुई थी। 16 मई को उसका निकाह होना था। मृतक श्यामू का एक भाई ठेला लगाता है जबकि दूसरा भाई मानसिक रूप से बीमार है। श्यामू भी अंडे का ठेला लगाता था। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की। यह सूचना प्राप्त हुई है, विलग्राम में एक खंडहर है, पुराना अस्पताल की बिल्डिंग है, उसमें रहता नहीं है। उसमें दो मृत शरीर मिले हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों बालिग प्रतीत हो रहे हैं। दोनों के पेट में घाव है, संभवतः गोली की चोट है, गोली से लगे। एक तमंचा और एक खोखा भी साथ में मिला है। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है और पूरे घटना का विवरण भी नहीं है। इसमें शीघ्र ही पड़ताल करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।